नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर राज्य शासन की तरफ से जम्मू और कश्मीर माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मेरा शहर मेरी शान कार्यक्रम की शुरुआत पुंछ जिले से की गई। सरकार के सचिव ने कहा, ये प्रशासन को लोगों की चौखट तक लाने का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ सभी पार्षदों से बात की है और उनके अनुरोध और मुद्दों को सुना, हम उन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बैक टू विलेज की तर्ज पर सोमवार को प्रदेश के स्थानीय निकाय क्षेत्रों में दो दिवसीय मेरा शहर मेरी शान कार्यक्रम का आगाज हुआ। स्थानीय समस्याओं को सुनने, फौरी समाधान से लेकर सरकारी योजनाओं और सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, ये सरकार ने जो है आफ्टर बैक टू द विलेज 3 ये पहल की है कि हम अपने जो म्युनिसिपल कमिटीज़ हैं, जहां हमारे टाउन्स हैं, वहां पे भी जाएं और वहां देखें, लोगों के साथ मिलके कोशिश करें, जो हमारी म्युनिसिपल कमिटीज़ हैं उनके साथ एक रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन दें। और ये जो इस सरकार की एलजी सरकार की एक मुहिम चली है कि हम वी विल ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेशन टू द डोर स्टेप ऑफ द पीपल, ये उसका एक सिलसिला चल रहा है और उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। यहाँ आज मैंने सब काउंसिलर से बात की, जो हमारे यहाँ काउंसिलर्स हैं। वी हैव अ वेरी वाइब्रेंट काउंसिल है, बहुत पुरानी काउंसिल है, बहुत अच्छी काउंसिल है पुंछ की। उनके जो लोगों के इशूज़ हैं, उनके जो अपने इशूज़ रहे हैं, उन्होंने हाईलाइट किए। हम वो इशूज़ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिजॉल्व होंगे, हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब हैं। मुझे ये देख के भी खुशी हुई दैट वी हैव अ वेरी रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन हेयर, बहुत अच्छा काम यहाँ हुआ है, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे एसपी साहब ने भी जो यहाँ पे किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो लोगों के इश्यूज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम रिजॉल्व होने हैं, वो हम करेंगे। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी जो हैं आज यहाँ अवेलेबल थे और वहाँ काउंसलर्स के सामने थे, उनके फर्स्ट हैंड उन्होंने वो इश्यूज सुने और जो यहाँ पे रिजॉल्व हो सकते हैं वो यहाँ रिजॉल्व होंगे। और जिसमें आगे जाने की बात होगी, चाहे वो फंडिंग का इशू हो या और कोई इशू, वी विल ट्राई टू सी दैट द पीपल आर सेटिस्फाइड। प्रदेश स्तर के आईएएस और केएसएस कैडर के 84 अधिकारी इन कार्यक्रमों में तैनात किए गए हैं। खास बात यह है कि कार्यक्रम के दौरान डोमिसाइल सर्टिफिकेट और हेल्थ योजना के तुरंत पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। दो दिवसीय इस मेले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चेक भी बांटे गए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोगों में ऋण बांटे गए। जम्मू नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य कई विभागों ने अपने स्टॉल्स लगाए। इस अभियान का मकसद शहरों और कस्बों की आबादी को मौके पर ही सुविधाएं देना है, उनकी समस्याओं को हल करना है। बैक टू विलेज कार्यक्रम में भी गांवों में लोगों के दरवाजे पर जाकर उनकी दिक्कतों का समाधान किया गया, योजनाओं का लाभ दिया गया। इसके अलावा नई योजनाएं भी समर्पित की गई, विकास के लिए फंड दिया गया। आपको बता दें, मेरा शहर मेरी शान अभियान का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरों और कस्बों में विकास की धारा का प्रवाह करना है। राज्य प्रशासन ने इस दो दिवसीय अभियान में केंद्र प्रायोजित और जम्मू कश्मीर प्रशासन की योजनाओं का मौके पर ही लोगों को लाभ देने का लक्ष्य रखा है। शहरी विकास के लिए प्रशासन नगर निगमों को 5-5 करोड़ और नगर परिषदों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। प्रत्येक नगर समिति को 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।